आधे घंटे में कमरे में मिलो। आधे घंटे में क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि मेरी मर्जी, इंतजार करो मेरा। और अगर आधे घंटे बाद मुझे मेरी बहनों ने ना निकलने दिया तो? तुम्हारी बहनों से तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन पहले तुमसे कुछ जरूरी बातें कर लो। हाय साहिब, मुझे तो डर लग रहा है, अपने दिल नवाज पे इतनी सख्ती करेंगे आप? पवार, आधे घंटे में भूलना मत। ये तो आपकी हुस्न नजर है, बाकी तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जी जी बिल्कुल, इबादत का खुली होगी, आप हदिया लेकर आ जाइए। अल्लाह हाफिज। जी हजरत बीबी, फौरन से पेश से जुबैदा के घर चली जाओ, उसकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उन्हें हर सूरत में लड़की पसंद आनी चाहिए। जो हुक्म हजरत बीबी। अच्छा और सुनो, मैं 2 घंटे के लिए मुराकबे में जा रही हूँ, मुकम्मल यकसुई चाहिए, 2 घंटे से पहले मत आना। जी। छोटी छोटी। जी जल्दी से तैयार हो जाओ, बस सिर्फ 2 घंटे जाकर अस्पताल से हुआ है। बड़ी लेकिन दिलनवाज, उसको मैंने मसरूफ किया है ना, जल्दी से तैयार हो। बत्तियां कौन बंद करेगा? छोटी अब बताओ सारी बात, कौन हो तुम, और अगर तुम हो तो किसी और को नजर क्यों नहीं आती? हाय साहब, आते ही इतना मुश्किल सवाल। पहले थोड़ा खुद को देख तो लेने देते, जी भर के बातें कर लेने देते। दिलनवाज, फजूल बातों में वक्त जाया मत करो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए और मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा। काश साहब, काश आप ये कहते कि आपको कितनी बेचैनी से मुझसे मिलने का इंतजार था। मेरी बातों को मत डालो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा वजूद किसी और को नजर क्यों नहीं आता? वजूद? वजूद ही तो नहीं मेरे पास, अगर मैं सच बताऊंगी तो मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे ना साहब? दिलनवाज, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम? मैं इंसान नहीं हूं, एक जनजाति हूं। और आपके पड़ोस में जो 2 बहनें रहती हैं, मैं उनकी गुलाम जिन हूं। सच्चा साहिब, हम उजाड़ घरों और वीराने में बसेरा करते हैं, खामखा आपसे कोई वास्ता भी नहीं रखते, हमारी आबादी आपसे कहीं ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था ये आने के बाद? हाँ, वो मैं थी। शुरू में आपको बहुत तंग किया मैंने,
फिर आप मुझे अच्छे लगने लगे सर। आपने अपनी बहादुरी से दिलनवाज का दिल जीत लिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था साहिब, डर था कि कहीं आप मुझसे नफरत ना करने लगे और मेरी शिकायत हजरत बीबी से ना कर दे। माफ़ करता हूँ तुमसे, कैसे दूर जा सकता हूँ तुमसे? रखना चाहता हूँ दिलनवाज के, एक दफा अम्मा अब्बा से मिल लो, एटलीस्ट वो तो मुझे पागल ना समझे। साहिब यही तो मुश्किल है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, मैं हजरत बीबी की गुलाम हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। सांस भी नहीं ले सकती, शादी कर सकती अपनी मर्जी से? यही ना साहिब, तो शादी मेरी मर्जी से नहीं, हसन बीबी के कहने पे हुई थी। क्या हजरत बीबी की मर्जी से? आज रात रुक जाओ प्लीज मेरे लिए। नहीं साहिब मैं नहीं रुक सकती, मैं मजबूर हूँ, ये सब मेरे बस में नहीं है, मुझे जाना होगा। कब जान छूटेगी तुम्हारी उन औरतों से? अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये दीवारें भी गिर जाएंगी साहिब। जितना सब कुछ तुम बता चुकी हो मुझे पागल करने के लिए काफी है, भरोसा किया था तुम पे, मुझे तो बताना चाहिए था ना। आपकी दिलनवाज की जबान पर गुलामी का ताला लगा हुआ था साहिब, मैं आपको मजीद धोखा नहीं देना चाहती, आपको धोखे में रखकर मुझे अपनी मोहब्बत से शर्मिंदगी हो रही है साहिब। मैंने आपको सच बता दिया, अब अंजाम चाहे जो भी हो मैं आपको इससे ज्यादा बेखबर नहीं रख सकती। दिलनवाज तुम्हारे सच बताने से उलझने और हो गई है, क्या बताऊंगा मैं अम्मा अब्बा को कि उनकी बहू एक इंसान नहीं एक जिन है, अब वो खुशी खुशी मान जाएंगे, ऐसा लगता तुम्हें? साहिब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, मैं उनकी खिदमत करूंगी, उनके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। इतना आसान नहीं है दिलनवाज, इतना आसान नहीं है, और सोचना होगा, एक रास्ता है। दिलनवाज के ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अम्मा अब्बा से मिलो और हम ना बताएं कि तुम इंसान नहीं हो जिन, प्लीज। नहीं सर अभी ऐसा मुमकिन नहीं है, वो मेरे वजूद की ताब नहीं ला सकेंगे। साहिब आप में वो ताकत है, आप किसी भी जिन का सामना करने की साथ रखते हैं, लेकिन आपकी अम्मा बीमार हो जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी, वो यही होता है जब कोई इंसान हमारा सामना करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा, कैसे हम साथ रहेंगे। थोड़ा सब्र कर लो ना साहेब, हमें सब कुछ सही करने का मौका जरूर मिलेगा, मैं जानती हूँ फिर हम उन्हें सब बता देंगे साहिब, लेकिन फिलहाल हमें अपने रिश्ते को छुपाना होगा। तुम उनकी गुलामी छोड़ क्यों नहीं देती? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, तुम रह सकती हो छुप के, तुम जिन हो कुछ भी कर सकती हो। इतना आसान नहीं है ये, काश उनके आगे मेरा बस चलता तो मैं कब की अपना आप आपको सुपुर्द कर देती, बगैर किसी चिल्ले और अमल के आपके गुलाम बन जाती। बड़ी, दिलनवाज वापस नहीं आई। महारानी पड़ोस में इश्क लड़ा रही।
आ जाएगी। घंटे में मैंने अपना अमल शुरू करना है। आप ये अमल नहीं करेंगी बड़ी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बकवास मत करो, पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है 15-20 दिन की मेहनत में जाया करूंगी? मैं इस अमल को पूरा करूंगी चाहे कुछ हो जाए। बड़ी आप कमजोर हैं, आपके अंदर इतनी सकत नहीं है कि उनकी मजामत सह सकें। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। छोटी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी नुकसान हो, मुझे ये अमल पूरा करना है। छोटी मैं नहीं जानती कि अब मेरे पास कितना वक्त बाकी, लेकिन हर हाल में ये चिल्ला मुकम्मल करूंगी। मैंने बहादुर का ख्वाब जरूर पूरा करना है। मैंने अब बहादुर के नाम का घर खरीदना है जिसकी पेशानी पे बहादुर का नाम लिखा होगा। बस बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आइंदा मत कहना, मत करें ये वजीफा कि ये अमल छोड़ दूं। नहीं छोड़ूंगी, पूरा करूंगी। फवाद, फवाद,